नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। पाकिस्तान के बाद मिस्र में भी हाहाकार मच रहा है। 2 जून की रोटी के लिए लोग तड़प रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि मिस्र खाड़ी देशों का लाडला हुआ करता था, लेकिन संकट के दौर में इन देशों ने भी मिस्र से किनारा कर लिया है। लेकिन इस बीच भारत ने मिस्र की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, काफी मदद मिस्र में पहुंचाई है। भारत ने इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर भी मिस्र के राष्ट्रपति को बतौर चीफ गेस्ट बुलाने का फैसला किया है। देखिए रिपोर्ट। खाड़ी देशों के बीच अपनी पकड़ रखने वाला देश मिस्र वर्तमान में गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पिछले साल मार्च में मिस्र की करेंसी पाउंड ने अपना आधा मूल्य खो दिया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मिस्र की मुद्रा स्फीति बढ़कर 24.4% तक हो गई है। देश पर बाहरी कर्ज लगातार बढ़ रहा है और ये कर्ज बढ़कर 170 अरब डॉलर हो गया है। मिस्र के हालात पाकिस्तान से भी बदतर हो गए हैं। ऐसे हालात में मिस्र को मदद करने वाले सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत देश उससे पीछा छुड़ा रहे हैं, जिससे मिस्र गंभीर स्थिति में अलग थलग पड़ गया है। लेकिन भारत ने मिस्र को लेकर अपना बड़ा दिल दिखाया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने गणतंत्र दिवस के मौके पर मिस्र को अपने यहाँ आमंत्रित कर रहा है। भारत अपने गणतंत्र दिवस के मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित कर रहा है। राष्ट्रपति के साथ 120 सदस्यों का एक दल भी आएगा, जो 26 जनवरी की परेड में कर्तव्य पथ पर मार्च करेगा। ये पहली बार हो रहा है कि मिस्र का कोई दल भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा ले रहा है, जो मिस्र के लिए एक उम्मीद की किरण जैसा है, क्योंकि इस दौरान दोनों देशों के बीच खास समझौते हो सकते हैं। बता दें कि रूस और यूक्रेन का गेहूं का सबसे बड़ा आयातक मिस्र उस वक्त और मुश्किल में पड़ गया जब दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। वैश्विक बाजार में गेहूं की किल्लत हो गई, जिससे इसके दाम आसमान छूने लगे। ऐसे समय में भारत मिस्र की मदद को सामने आया है। उसने मिस्र को रियायती दरों पर सैकड़ों टन गेहूं उपलब्ध कराया। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2022 में भारत मिस्र के बीच 10 लाख टन गेहूं की सप्लाई को लेकर बात हुई थी। मई आते आते खुद भारत में गेहूं की किल्लत शुरू हो गई, जिसे देखते हुए मोदी सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया। लेकिन भारत ने मिस्र सहित कई देशों को गेहूं की खेप भेजनी जारी रखी। एक रिपोर्ट में कहा गया कि मिस्र में भारत का कुल निवेश 3.2 अरब डॉलर का है, लेकिन आने वाले वक्त में ये बढ़ने वाला है। कई भारतीय कंपनियां मिस्र में अपना निवेश बढ़ाना चाहती हैं, जिससे मिस्र के हालात भारत के सहयोग से अच्छे हो सकते हैं। तो भारत की तरफ से इस मदद ने अलग थलग पड़े आर्थिक रूप से बदहाल मिस्र को बड़ी राहत दी है। भारत ने उसे अपने गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट बनाकर उसके सम्मान में भी बढ़ोतरी की है। कहा जा रहा है कि इस दौरान भारत और मिस्र के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं, जिससे बदहाली से जूझ रहे मिस्र को बड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।